आज न्यूज 29 इंडिया ने पर्दा उठाया है शिक्षा जगत में चल रहे एक बड़े गोरख धंधे से। बेनकाब किया है शिक्षा के दलालों को, जो शिक्षा के नाम पर दलाली कर रहे हैं। आज की हमारी खास रिपोर्ट है इंदौर आईटीआई का फर्जीवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया। शिक्षा के नाम पर ठगी का आरोप लगा है इंदौर के आईटीआई कॉलेज पर। जी हाँ, पूरे संभाग के 850 बच्चों के भविष्य का फैसला 500 और 1000 रुपए के नोट तय करेंगे, ना कि उनकी योग्यता। आईटीआई इंदौर में चल रही परीक्षा के दौरान वहां परीक्षार्थियों ने प्राचार्य सहित संस्थान पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। विद्यार्थियों का कहना है कि 500 और 1000 रुपए लेकर बिना प्रवेश पत्र यानी कि हॉल टिकट के परीक्षा हॉल में एंट्री दी जा रही है। कई लोगों को ऐसे ही एंट्री दी गई थी। वहीं परीक्षा के दौरान खुलकर नकल चल रही थी। कई विद्यार्थियों से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर देने के लिए शनिवार को इंदौर संभाग के 16 आईटीआई के करीब 850 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए यहां आए थे। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे प्रवेश का अंतिम समय था, लेकिन संस्थान के कुछ लोग पैसे लेकर कई विद्यार्थियों को बिना हॉल टिकट के परीक्षा कक्ष में करीब 11 बजे तक प्रवेश दे रहे थे। वहीं परीक्षा कक्ष में खुलकर नकल भी चल रही थी और कई लोगों के पास मोबाइल भी मिले हैं। सर, इनके पास लिस्ट है अंदर कॉलेज वालों के पास, क्योंकि हमने ना सर एक एग्जाम नहीं दिए। हाँ। पहले भी एग्जाम यही कॉलेज में दी। हाँ। और उसके बावजूद हमको अंदर नहीं ले रहे। क्या कारण? कारण अब ये सर जाने और वो प्रिंसिपल जाने, इनका जिनकी सेटिंग हो रही है, मतलब सारे कॉलेज के आ रहे हैं सर वगैरह, वो सेटिंग कर रहे हैं और उन बच्चों को ले रहे हैं 11-11 बजे तक, और हम 9 बजे के यहाँ बैठे हो, हमको अभी तक अंदर नहीं। भी आपके कॉलेज के भी प्रोफेसर आते या कॉलेज के टीचर आते? हाँ सर, ले 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 मतलब पैसे लेके ही काम करते हैं। हाँ सर, पैसे लेके ही काम करते हैं। सर एक घंटे पहले छह वाली गाड़ी। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया आपको? सर यहाँ पर बोला गया है कि हाँ सर, हॉल टिकट भी है सब हमारे पास सर। हाँ। पर यहाँ पर बोलते हैं ना तुम्हारे कोई सर आए और ना ही तुम्हारी लिस्ट आई है सर नाम उनकी। अच्छा। इसलिए हमको अंदर नहीं ले रहे सर। और बाकी जितने भी बच्चे थे सर, सब सेटिंग बाजी से अंदर हो गए सर। कितने कितने पैसे लिए उन लोगों सर? पैसे 500-600 रुपए की खबर आई है सर हमारे कानों तक। कौन लिए सर? ये नाम नहीं पता सर सर का, पर सरों ने लिया है सर। तभी तो सब बच्चे सर अंदर हो गए जिसकी लिस्ट नहीं आई थी। नहीं 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 बाहर है। बाकी सब बच्चे बाहर थे सर अभी तक। हमने पैसे नहीं दिए। अच्छा, ये भी खबर आई, हमने शूट किया कि 9:30 का पेपर था, 10:30 तक बच्चों को अंदर लिया। हाँ सर, लिया है। 11 बजे तक लिया सर। इस मामले में जब प्राचार्य राजेश कपिल से हमने बात करनी चाहिए तो वह अपनी सीट पर नहीं मिले। प्रशासन का कहना था, कॉलेज प्रशासन का कहना था कि वो आज छुट्टी पर है। और जब उप प्राचार्य एस के कोरी से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने पैसे लेने की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा इसके पीछे तो कुछ और ही वजह है। एस के कोरी का कहना था कि कुछ बच्चों की डिटेल्स नहीं थी, जिसके चलते जानकारी लेकर उन्हें प्रवेश दिया गया। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी देर हो गई। आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों के पास मोबाइल मिलने की बात को भी पहले तो उप प्राचार्य ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन फिर दबी जुबान से स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है बाद में आने वाले विद्यार्थियों के पास मोबाइल रह गए हों। उन्होंने कहा कि इन सभी शिकायतों पर जाँच की जाएगी। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर था, जिसमें 655 बच्चे हमारे यहाँ आज बैठना थे और उसमें 29 हमारे एग्जामिनर लगे हुए हैं पर्यवेक्षक, और 20 रूमों की व्यवस्था की गई इनको बैठने के लिए। 16 आईटीआई हमारे इधर सम्मिलित हुई हैं, हमारी आईटीआई को छोड़कर के 15 अन्य। ये आईटीआई कहाँ कहाँ से हैं? मतलब मध्य प्रदेश से ही हैं या इंदौर संभाग? इंदौर संभाग की हैं जी। जी, आज जब हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया तो एक ही पेपर से 2 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे, कई जगह मोबाइल निकले हैं। हमारे आने के बाद टीचर्स ने मोबाइल बच्चों से लिए, बच्चे मोबाइल ऑपरेट कर रहे थे, क्या कहना है आपको?
किसी बच्चे ने रख लिया होगा धोखे से, तो हमारा एग्जामिनर तो उसको निकलवा ही लेता है। धोखे से बच्चा एक रखेगा, सब बच्चे नहीं रखेंगे। एक मिनट जी, जब हम पहुंचे हैं तो करीब 15 से 20 मोबाइल हमारे सामने कलेक्ट किए गए मैडम द्वारा। और ये लास्ट में क्या हुआ था, कुछ बच्चे वर्ल्ड आईटीआई के बच्चे आए थे, हो सकता है वो रखे रह गए हों जी। दूसरा ये कि 9:30 बजे एग्जाम थी, 10:30 तक आप बच्चों को परमिट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, जबकि 9:30 पे बच्चों को बिठा के पेपर वितरित कर देने थे, 10:30 तक बच्चों को पेपर बांटे गए और एग्जाम ली गई। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक वाले जो लेट आए थे उन्हीं को पर ऐसा। आपको बता दें कि आईटीआई कॉलेज में संजय जैन 1991 से इसी कॉलेज में कार्यरत है, जबकि राजेश कपिल 2006 से यहाँ पर जमे हुए हैं। आखिर क्यों एक शासकीय नौकरी में इतने वर्षों तक लगातार बिना ट्रांसफर के आखिर यह दोनों कैसे काम कर रहे हैं? संजय जैन जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिकल हैं, इनके साथ मिलकर राजेश कपिल ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। और अगर सूत्रों की माने तो पिछले कई वर्षों से नकल का यह गोरख धंधा इस कॉलेज में चल रहा है। राजेश कपिल की वेतन वृद्धि पर सरकार ने अनियमितता के चलते रोक भी लगा दी है, फिर भी नकल का घोरक धंधा करने से ये बाज ही नहीं आ रहे। शिक्षा के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे पर आखिर कब लगाम कसेगी, या यूं कहें कि लगाम कसने वाले ही इनको पनाह दिए हुए हैं।